उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। उन्होंने सचिवालय में पहुंचकर शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को बचाव कार्यों में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर से पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि बेहतर समन्वय के साथ ही इस विषम परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। इसके लिए हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से कार्य किया जा रहा है। सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे सभी 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। वहां पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था, इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHAI, DCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक।